सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। एनसीपी नेता छगन भुजबल पर एक्टिविस्ट को दुबई में धमकी दिलाने का आरोप, एफआईआर दर्ज, सरस्वती प्रतिमा से जुड़ा है विवाद। सुप्रीम कोर्ट से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग, बेंच ने पूछा 2 बच्चों का नियम लागू करने का आदेश कैसे दें। अरुणाचल व नागालैंड में 6 माह बढ़ाई अफिस्पा की मियाद, देश के अशांत क्षेत्रों में है लागू। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय, गांधी परिवार और G23 का साथ, वाइल्ड कार्ड एंट्री में बदला खेल। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में दाखिल की चार्जशीट, चार्जशीट में पार्थ चटर्जी समेत 16 आरोपियों के नाम। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बच्चों को लेकर भागने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पारिवारिक कलह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप, कार्रवाई में जुटी पुलिस। अमेठी में संविदा कर्मी के साथ उपभोक्ताओं ने की जमकर मारपीट, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किनारे बने गड्ढे में युवक की डूबने से हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, लगभग 1.5 दर्ज लूट की चोरी मामले में वंचित चल रहा था शातिर। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में 16 मिसाइलें दागी, अपनों की मदद करने जा रहे 23 लोगों की मौत, सड़क पर कई मीटर गहरा गड्ढा बना। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन में 9 यूरोपीय नागरिक गिरफ्तार, अब तक कुल 83 लोगों की मौत। सुन ले यूक्रेन और अमेरिका, डोनबास के लोग अब रूसी नागरिक, पुतिन ने दी आखिरी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका की चेतावनी को किया नजरअंदाज। समुद्री चक्रवात इयान पहुंचा दक्षिणी कैरोलिना, फ्लोरिडा में मचा भीषण तबाही, 9 लोगों की मौत। जोधपुर में भीलवाड़ा किंग्स की रोमांचक जीत, गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया, यूसुफ पठान की धुआंधार बैटिंग। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए, ICC ने अनाउंस की प्राइज मनी, फाइनल में हारने वाली टीम को मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए। बुमराह खेल सकते हैं वर्ल्ड कप, गांगुली बोले टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी उन्हें बाहर नहीं किया गया। पाकिस्तानी गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई, इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीता करो या मरो का मुकाबला। मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, बुमराह को लेकर सस्पेंस बरकरार। आशा पारेख को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, बोली ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, इसे पाकर लग रहा जैसे मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हों। गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कैजुअल लुक में आए नजर, पेपार्जी को दिए कोच। भारी भीड़ के बीच आलिया को प्रोटेक्ट करते दिखे रणबीर, ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने पहुंचे दोनों।
हॉस्पिटल पहुंची बिपाशा वसु, जल्द मिल सकती है गुड न्यूज। पति करण सिंह ग्रोवर भी साथ आए नजर। बाल नरेन का ट्रेलर रिलीज हुआ, चाय बेचने वाले बच्चे ने कोरोना से गांव को बचाया, सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।